नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। ये कहावत सटीक बैठती है राजधानी देहरादून के विश्वविख्यात कॉलेज हिमगिरी यूनिवर्सिटी पर। जी हाँ, ये वही यूनिवर्सिटी है जिसके खिलाफ उसके स्टूडेंट ने ही मोर्चा खोल दिया है। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, वापस लो, वापस लो, वापस लो। राजधानी देहरादून में बड़े संस्थानों की सूची में शामिल हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा हुआ। स्टूडेंट अचानक अपनी कक्षाओं से बाहर निकलकर नारेबाजी करने लगी। यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्रों ने आरोप लगाया कि ये कॉलेज नहीं, जेल है। बड़ी डिपार्टमेंट करके जेल की तरह गेट बंद कर दे रहे यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे लोकतंत्र है, अपनी मर्जी से कुछ भी फैसले ले लेते, जब मर्जी बच्चों को परख तरीके से बताते भी नहीं है और बोलते हमसे बात करो, जब बात करने जाओ तो ये बात सुनते नहीं और डांट के भगा देते हैं। आज कितनी देर तक आपको गेट के अंदर बंद करके रखा गया? सर सुबह मैं यहाँ पे 9 बजे यूनिवर्सिटी में आया था, मैं 12 बजे मेरी क्लास खत्म हुई तो मेरे को घर जाना था, मैं गया, मैं गेट पे आया तो वहाँ पे करीब 50-60 बच्चे खड़े हुए थे, हमें बाहर नहीं जाने दिया गया। और सर अभी 5:30 बज गए हैं, 5:30 बजे मैं यहाँ से निकल रहा। कॉलेज में हंगामे की सूचना पर पुलिस को भी मौके पर आना पड़ा। छात्र छात्राओं ने कॉलेज की कैंटीन में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने जोर जोर से चिल्लाकर कहा कि वो कॉलेज की कैंटीन का बना खाना नहीं खाएंगे। आरोप लगाया कि कैंटीन में बना खाना खाने से छात्र छात्राएं बीमार हो रही हैं। सर का कहना ये था, हमारे वीसी सर का कहना ये था कि हम जो खाना खाएं वो हम कैंटीन का भी खा सकते हैं, लेकिन हमारी कैंटीन का खाना इतना बुरा है कि आप उसे खा ही नहीं सकते। एक तो इतना कॉस्टली है कि जो हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, इवन मैं तक नहीं कर सकती इसको अफोर्ड। दूसरा, खाने की क्वालिटी बहुत खराब है, कई बार इससे ऐसा हुआ है कि कभी कॉकरोच निकल रहा है, कभी कुछ निकल रहा है। दरअसल यूनिवर्सिटी के एक आदेश के खिलाफ छात्रों ने यह हंगामा किया। कॉलेज प्रबंधन ने 9 बजे से 4:30 बजे तक कॉलेज गेट बंद करने का आदेश जारी किया है, जबकि छात्रों का कहना है कि सब कैंटीन में खाना खाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। वहीं छात्र छात्राओं ने कॉलेज की लाइब्रेरी पर भी सवाल खड़े किए। सर यहाँ पे पूरे कॉलेज की एक लाइब्रेरी है, यहाँ पे इतने सारे डिपार्टमेंट है लेकिन सिर्फ एक लाइब्रेरी अवेलेबल है, अगर सब बच्चे उसमें बैठते भी हैं तो भी हमें पूरी एक बार में सीट नहीं मिलेंगी, मतलब सीट्स का अरेंजमेंट बहुत कम। राजधानी देहरादून के एजुकेशन का हब कहा जाता है, यहाँ देश विदेश से बच्चे पढ़ने आते हैं, पढ़ाई के नाम पर मोटी फीस वसूली जाती है। लेकिन हालात क्या है बड़े बड़े विश्वविद्यालयों की, आप इस खबर में साफ देख सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए विकास नगर से सतपाल धानिया की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।